हरे कृष्णा, आखिर इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? एक ऐसा विषय है जिसको लेके अत्यधिक लड़ाइयाँ, झगड़े, मतभेद होते रहते हैं। तो आज की कथा इसी को प्रेरित करती है। हम जानेंगे कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। क्या हुआ जब नारद मुनि भगवान से ही प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में इच्छा है कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करेंगे हमारे ये आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दुर्गेश कृष्णराज और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा डिवोशन को। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कथाएं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं हमारे ये आज का वीडियो। एक बार नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न, एक जिज्ञासा जाग रही है कि संसार में आखिर सबसे बड़ा कौन है। कृपया करके मेरी जिज्ञासा को दूर करें। तब तो भगवान कहते हैं, नारद, ये तो बहुत ही सरल सा उत्तर है कि पृथ्वी सबसे बड़ी है। नारद मुनि इस बात को मान ही रहे होते हैं कि भगवान कहते हैं, लेकिन नारद, इसमें एक शंका है। नारद मुनि पूछते हैं कि कैसी शंका प्रभु? तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी को तो चारों ओर से समंदर ने घेर रखा है, तो जाहिर की बात है समंदर बड़ा हुआ। नारद मुनि इस बात को भी मान लेते हैं, क्योंकि भगवान है, भगवान कह रहे हैं कि समंदर बड़ा तो समंदर बड़ा। अब भगवान कहते हैं कि नारद, इसमें भी एक शंका है। नारद मुनि प्रश्न करते कि इसमें कैसी शंका प्रभु? भगवान कहते हैं कि अगस्त्य मुनि ने सारे समंदर के पानी को पी लिया था, सारे समंदर को सुखा दिया था, तो निश्चित रूप से अगस्त्य मुनि सबसे बड़े हुए। तब नारद मुनि कहते हैं, जी प्रभु, अगस्त्य मुनि सबसे बड़े हुए। वो नारद मुनि इस बात को भी मान लेते हैं, लेकिन भगवान के मन में कुछ और ही चल रहा था। भगवान नारद मुनि के साथ कुछ और ज्यादा खेलना चाहते थे। तब भगवान ने नारद मुनि से कहा, नारद, इसमें भी एक शंका है। अब नारद मुनि परेशान होने लगे और पूछा, प्रभु, इसमें कैसी शंका है? तब भगवान कहते हैं कि अगस्त्य मुनि कहाँ रहते हैं? इतने विशाल आकाश के एक सूर्य जैसी नोक के ग्रह में अगस्त्य मुनि रहते हैं, तो आकाश तो निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए। तब नारद मुनि कहते हैं, बिल्कुल प्रभु, आकाश सबसे बड़ा है। तब भगवान कहते हैं, इसमें भी एक शंका है। अब नारद मुनि परेशान अत्यधिक हो रहे हैं और उनके दिमाग के ऐसे सले बनने लगे, कह रहे कि क्या हो रहा है प्रभु। तब भगवान कहते हैं कि तुम याद करो, मैंने वामन रूप में अपने एक पग में पूरे आकाश को नाप लिया था, तो मैं बड़ा हुआ। तो नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, आप ही वामन हैं और आपने तो विराट रूप भी अपना दिखाया है, तो आप निश्चित रूप से सही में बहुत ज्यादा बड़े हुए, बहुत विशाल हुए। लेकिन भगवान कहते हैं, नारद, मैं इतना विराट होने के बावजूद अपने भक्त के छोटे से हृदय में आ जाता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा भक्त सबसे बड़ा है और तुम भी मेरे भक्त हो और महान इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। मैं अपने सच्चे भक्तों के हृदय में आ जाता हूँ, यानी मेरे भक्त संसार में सबसे बड़े और महान हैं। नारद मुनि की आंखें भर आई और नारद मुनि ने क्षमा मांगी, क्षमा करिए प्रभु, मैं अज्ञानतावश ये विचार करने लग गया कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो इन सब विषय में ना पढ़ते हुए भगवान की भक्ति में अपने आप को एकाग्रित कीजिए बस। अब इसका मतलब ये नहीं कि भक्त हैं तो आप अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे। अगर ऐसा होगा तो आपके अंदर अभिमान, अहंकार का भाव आ जाएगा, जो नहीं आना चाहिए। और जहां अभिमान आया भगवान तो पढ़ से आपके हृदय से निकल जाएंगे। तो आज की कथा यही थी कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। भगवान सीधा सीधा इंडिकेट करते हैं कि भगवान जो है भक्त के वश में है, तो भक्त सबसे बड़ा होता है। इसलिए हमें बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के चरणों में जाना चाहिए, बड़े बड़े शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करिए, अपने अपने गुरु महाराज की सेवा करिए। ये ऐसे भक्त हैं जिनके हृदय में भगवान साक्षात वास करते हैं। इनके चरणों की सेवा से आप भगवान की प्राप्ति सुनिश्चित रूप से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरे कृष्णा।